आर्य कब भारत आए? आंसर 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? आंसर मध्य एशिया से। आर्य के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा है? आंसर वेद। आर्य का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर ऋग्वेद। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? आंसर सामवेद। वेद कितने हैं? आंसर चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद के सूक्तों की रचना किस प्रदेश में हुई थी? आंसर पंजाब प्रदेश। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? आंसर 1017 सूक्तों का, जिसमें 10 मंडल है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है? आंसर ऋग्वेद में। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? आंसर धंधे के आधार पर। आर्य अनार्य को क्या कहते थे? आंसर दस्यु और दास। आर्य के समय की मुख्य पैदावार क्या थी? आंसर धान, गेहूं, जौ। आर्य का भाषा क्या थी? आंसर संस्कृत। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर पूर्व आर्य काल। आर्य के प्रमुख देवता कौन थे? आंसर इंद्र। आर्य दार्शनिक क्या कहलाते थे? आंसर ऋषि। आर्य के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? आंसर घोड़ा। आर्य किस नदी को ज्यादा महत्व देते थे? आंसर सरस्वती नदी। भारत में आर्य लोग स्थायी रूप से सबसे पहले कहाँ आकर बसे? आंसर पंजाब। आर्य ने किस धातु की खोज की? आंसर लोहा। आर्य के समय समाज में कितने वर्ण थे? आंसर चार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। चार वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आंसर पुरुष सूक्त में। वैदिक काल के समाज में कितने आश्रम थे? आंसर चार, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सैन्य। आर्य शब्द का मूलतः क्या अर्थ है? आंसर उत्तम। महापुराण कितने हैं? आंसर 18। उपनिषद कितने हैं? आंसर 13। प्राचीन भारत के महाकाव्य कितने हैं? आंसर 2, रामायण और महाभारत। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? आंसर इटली। इटली के किस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है? आंसर फ्लोरेंस। किस मुगल शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? आंसर जहांगीर। पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर मानववाद।
आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? आंसर मैकियावेली। किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था? आंसर अमेरिका। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जनक कौन था? आंसर जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? आंसर 4 जुलाई 1776 में। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? आंसर अमेरिका को। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आंसर अमेरिका। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? आंसर 1863 में। अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? आंसर व्हाइट हाउस। मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुआ था? आंसर फ्रांस। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ था? आंसर एक सैनिक के रूप में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? आंसर 1804 ई में। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? आंसर नेपोलियन को। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? आंसर रूस पर आक्रमण। नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविस्मरणीय है? आंसर कानून संहिता। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? आंसर बिस्मार्क। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? आंसर जर्मनी का। समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कौन था? आंसर कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? आंसर कार्ल मार्क्स। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? आंसर जार। रूस का अंतिम जार कौन था? आंसर जार निकोलस द्वितीय। 1917 ई की रूसी रक्तहीन का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर प्रथम विश्व युद्ध में रूसी की पराजय। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आंसर स्टालिन। औद्योगिक रक्तहीन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई? आंसर इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? आंसर चार्ल्स प्रथम। 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? आंसर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? आंसर इंग्लैंड। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ? आंसर इंग्लैंड में। एशिया में आधुनिक औद्योगिक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आंसर जापान। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई?
आंसर 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? आंसर 4 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर सेराजेवो हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश कौन था? आंसर जर्मनी। 1911 ई में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? आंसर सन यात सेन। चीन के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? आंसर डॉक्टर सन यात सेन। एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना गया? आंसर चीन। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर मुस्तफा कमल पाशा को। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? आंसर मेरा संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा कितने वर्षों तक लड़ा गया? आंसर 1939 में 6 वर्षों तक। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में आत्मसमर्पण क्यों किया? आंसर क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम का प्रयोग कब किया? आंसर 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम के गुप्त नाम क्या थे? आंसर लिटिल बॉय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर कुमार गुप्त ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आंसर वेनसांग। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? आंसर बाणभट्ट ने। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन-कौन थे? आंसर चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश। पुलकेशिन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था? आंसर हर्षवर्धन का। तराइन का युद्ध किनके बीच हुआ था? आंसर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? आंसर सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन के। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? आंसर गुरु अर्जुन देव को। मोहम्मद गजनी ने कितने बार भारत पर आक्रमण किया था? आंसर 17 बार। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? आंसर 1000 ई में। किस राजा ने मोहम्मद गजनी से पराजित होकर चीता में जलकर आत्महत्या कर ली थी? आंसर जयपाल। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? आंसर 1025 ई में। मोहम्मद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? आंसर अलबरूनी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर मोहम्मद गोरी। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? आंसर इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? आंसर रेजिया बेगम। दीवाने रियासत की स्थापना किसने की थी? आंसर अलाउद्दीन खिलजी। किसे पागल बादशाह कहा जाता था? आंसर मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने नहरों का निर्माण करवाया था? आंसर फिरोज शाह तुगलक ने। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? आंसर शेर खा और हुमायूं के बीच। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? आंसर गुलबदन बेगम। 1581 में अकबर ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? आंसर दीने इलाही। जहांगीर का न्याय से संबंधित क्या विख्यात है? आंसर न्याय की जंजीर। शालीमार बाग कश्मीर किसने लगवाया था? आंसर जहांगीर ने। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा जनरल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।